उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आस्था व्यक्तिगत विषय है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन इसका सार्वजनिक रूप से भद्दा प्रदर्शन कर दूसरों को परेशान किया जाए यह स्वीकार्य नहीं है। रामनवमी पर जिस प्रकार शांति और सौहार्द का माहौल रहा, वह नए यूपी की पहचान बन गया। कुछ अराजक तत्वों संगठनों ने हनुमत जयंती पर कुछ गड़बड़ी की कोशिश की थी, उन्हें उसका जवाब दे दिया गया। योगी ने बुधवार की शाम मंडल से लेकर ब्लॉक स्तर तक के पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों संग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। योगी ने कहा कि 3 मई को अक्षय तृतीया और ईद के एक साथ है, ऐसे में सतर्कता रखें। लोकतंत्र में संवाद का बड़ा महत्व है, संवाद के माध्यम से ही हमने अनावश्यक रूप से लगाए गए माइक को हटाने में सफलता पाई है। सभी धर्म गुरुओं और प्रबुद्ध जनों से संवाद जारी रखें। सीएम ने कहा कि अधिकारी फील्ड का नियमित भ्रमण करते हुए क्षेत्र में रात्रि निवास करें। रेंज और जोन स्तर के अधिकारी अलग अलग जिलों में रात्रि विश्राम कर स्थानीय समस्याएं और संभावनाएं समझें। डीएमएसपी महीने में एक बार अलग अलग तहसील और सर्किल में रुकें, इससे पूरा सिस्टम एक्टिव बना रहेगा। तहसील ब्लॉक सर्किल का देर रात तक में अचानक निरीक्षण करें। गौ तस्करी, अवैध वृक्ष कटान, भूमि पर अवैध कब्जा, अवैध शराब ओवरलोडिंग, नियम विरुद्ध खनन पर सख्ती से रोक लगाई जाए। योगी ने कहा कि थाना अध्यक्ष का चयन करते समय पुलिसकर्मी की दक्षता, कर्मठता, सत्यनिष्ठा की परख रखे। दागी व्यक्ति को थाना की जिम्मेदारी कतई दे, इसे प्रकार सर्कल में कार्रवाई की जाए। हर महीने थाने के टॉप 10 अधिकारियों की लिस्ट तैयार कर प्रभावी कार्रवाई की जाए। पुलिस एक्टिव रहकर सूची के अनुसार एक्शन लेगी तो वह यह सूची हर माह बदली जाएगी और एक माह बाद कोई टॉप 10 माफिया ही नहीं रहेगा। अपराधियों के विरुद्ध अभियोजना को और मजबूत करने की जरूरत है। योगी ने कहा है कि जिले के शहीद स्मारकों, स्वाधीनता संग्राम से जुड़े स्थलों, प्रमुख धर्म और पर्यटन स्थल पर हर दिन आधा घंटा पुलिस या पीएसी बैंड के जरिए राष्ट्रभक्ति के गीतों की धुनें बजाई जाए। हर जिले में इसकी रूपरेखा तैयार की जाए। जल संरक्षण के विशेष अभियान के अंतर्गत हर जिले और हर महानगर में 75-75 अमृत सरोवर तैयार किया जाए। यहाँ गांव के किसी बुजुर्ग प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया जाए।